अभी अभी आप लोग इसी भैंस को देख रहे थे, ये रही भैंस। और भैंस के सामने देखिए, ये 3-4 रोज के अंदर का ये बच्चा है। जिनकी भैंस है हम उनसे ही जानकारी लेंगे। नमस्कार चा। नमस्कार। तो अपना नाम बताइए चचा। नाम जग नारायण सिंह यादव। जग नारायण सिंह यादव, ये भैंस जग नारायण सिंह यादव जी की है। ये देखिए आप लोग के सामने कुछ इस तरह से है पीछे से। इस भैंस का जो स्किन है काफ़ी ब्लैक कलर में है। हमारे ख्याल से ये भैंस 6 लीटर से कम नहीं करेगी दूध टाइम का। इनसे ही हम जानकारी लेंगे। तो चचा आप बताइए इस भैंस के बारे में कि ये भैंस कौन से ब्यान में है? तीसरा ब्यान। तीसरे ब्यान में। और बच्चा इसके नीचे वाड़ा। कितने दिन का हो गया? 3 रोज। 3 रोज का पाड़ा है। और ज़रा दूध भी बताइए आप कि टाइम का कितना कर देगी? दूध देती है दोनों मीटिंग में 13-14 लीटर, लेकिन अभी 12 लीटर तैयार। 6 लीटर टाइम। 6 लीटर टाइम का। तो दिलदार नगर के इस कुशवाहा पशु मंडी में इस भैंस का कीमत कितना रखे हैं? 82,000। आप बाहरी व्यक्तियों के लिए ये भी बताइए कि कितने कीमत तक इस भैंस को आप दे देंगे? अरे जब ग्राहक आएंगे मौका पर तो उसी में 1,000-2,000 कम ही ना होगा? कम करेंगे। ये भैंस बिक्री के लिए मौजूद है और जो भी इच्छुक व्यक्ति होंगे एक बार आ कर के इन चाचा के यहाँ देख सकते हैं इस भैंस को। बाबूजी का कार्य ही ऐसा है तो फिर क्या करेंगे। और ये देखिए आप लोग के सामने कुछ इस तरह से भैंसें आ गई हैं दिलदार नगर के पशु मंडी में बिक्री के लिए। और आज जो दिन है वो रविवार का दिन है। कल सोमवार है और परसों मंगलवार। प्रत्येक मंगलवार के दिन ही दिलदार नगर का कुशवाहा पशु मंडी लगता है। बच्चा पाड़ा है क्या? पाड़ा है। दूसरे ब्यान में है। श्री राम जी, लगभग दूध कितना कर देगी टाइम का? 5 लीटर आकरा में दिया है। पहले ब्यान में 5 लीटर की है टाइम का। ये दूसरे ब्याज की एक भैंस है जिसकी कद काठी को आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी लंबी हाइट में है। ये लंबी और हाइट भी है इसका। हाँ हाँ, कल की इसी टाइम का ब्याई है। 6 दांत है जी। हाँ, अगला ब्यान में 5 लीटर टाइम पर इसका दूध दुहा गया है। यानी आप कह लीजिए कि 10 लीटर। अरे 10 लीटर से पार देगी इस बार ना, वजन ना इसलिए देख लो टीकासन भर की है हमारे। जरा जाइए आप एक बार और दिखाइए थोड़ा हाइट कितना है।
ताकि दूर दराज के लोग समझेंगे। बस 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 आइए इधर। इसका जो कीमत है क्या रखें आप, सही बोलिएगा एकदम ओरिजिनल कीमत जायज। हाँ क्योंकि बहुत से लोगों के उम्मीद जो है आप ही हैं। देखेंगे तुम ना, उम्मीद मोबाइल से ऐसे अंतर पड़ता है। बात तो सही है, बात तो सही है, लेकिन भैंस तो अच्छी है ना, तो उस मुताबिक तो हम बात खरीदे भी हैं। अब खरीदी वाला रेट तो बताएंगे नहीं है? खरीदी वाला रेट तो नहीं बताएंगे। तो बेचने वाला ही रेट बताइए। भैंस 85 की बिकेगी। 85 की आपकी मांग 85,000 है ना? नहीं मांग तो बहुत है भैंस। अच्छा अच्छा, इन सब भैंसों में देख रहे हैं ना। हाँ हाँ, यहाँ से वहाँ सब सब भैंस मौजूद हैं। इसकी हाइट की और इतना लंबाई की एक भी भैंस। जी जी, मतलब आपका मांग 85 से ऊपर है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि 85,000 तक मिल जाए। 85 तक मिल जाए हमको। जी जी, इस वीडियो के माध्यम से हम सोच रहे थे कि आप लोग को जो श्री राम जी के यहाँ भैंस है वो हम दिखाएं। ये कोई प्रमोशन वाला वीडियो नहीं है कि हम श्री राम जी की वीडियो आज बना रहे हैं तो श्री राम जी के यहाँ ही आके लीजिए। नहीं, किसी के यहाँ ले सकते। आप किसी के यहाँ लीजिए। हमारा वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य ये रहता है कि जो लोग उतने सक्षम नहीं हैं अपने पशुओं को बेच पाने में। कितना दूध है इस भैंस का? कितना दूध बोले? 5 लीटर टाइम का दूध है। तीसरा भैंस है ये, तीसरे बयान में है। और बच्चा इसके नीचे पड़वा है। ये कितने दिन का है? ये 4-5 रोज हो गया। 5 रोज का पड़वा है। 5 लीटर दूध है इस भैंस का। तो फिर इसका कितना रखे हैं? इसका 62,000 दाम। 62,000। अगर कोई भाई आपके यहाँ आए तो क्या कुछ कम करेंगे या फिर 62 ही? मांगने को दाम 70-72 मांगे। अच्छा 62,000 रुपये मांग रहे हैं। आपको कितने लोग बोलते हैं कि श्री राम जी बड़े चालाक किस्म के व्यक्ति हैं? चालाक तो नहीं है, लेकिन बात उनके कुछ भी समझे नहीं। मेला मंडी में चालाकी का ही जरूरत होता है। अगर थोड़ा भी दिमाग नीचे कर दिए तो फिर तो हो गया खेल खत्म। सही बात, मेला मंडी चालाक लोगों के लिए ही है। ये भी नहीं कि आप साधारण तरीके से आए और यहाँ से पशु खरीद लें। आप हैं ना यहाँ पर, इतना कम रेट बोले हैं इसका ना, तो हम आपको दिखाएंगे कितने की बिक रहे हैं। जी जी, इसका हाई रेट नहीं मांगे। जी जी, श्री राम जी अभी अभी आप हमें एक बहुत कलकत्ता मॉडल है, अब कोई भी बात उनकी 5-6 लीटर दूध टाइम का। श्री राम जी एक ख़ास बात हमें बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि जो भाई यहाँ पे ख़रीदने के लिए आते हैं तो उनकी जो सबसे बड़ी गलती होती है वो क्या होती है? वो तो भाई दलाल पकड़ लेते हैं, 2-5 हज़ार महंगी दिलवा देते हैं और तत्काल हमसे और आपसे मिले तो बात उनकी कुछ भाव से पड़ेगी। श्री राम जी का कम मिल फायदा मिल पाता है, ऊपर वाला ले लेता है ज्यादा ना। तो श्री राम जी जो बाहरी व्यक्ति हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे, वो कैसे दलालों से बचे, कुछ बताइए, दो शब्द बताइए। अनुभवी आदमी लेकर के आए और खुद अपने आप बतिया करके ले जाए। कुछ भी कहेंगे तो कोई गाली थोड़े देगा। नहीं नहीं, मान लीजिए वो 40 से शुरू करेंगे, 50-60 करेंगे, जितने अनुभव बात उनके लेन देन में ना ही अनुभव होगा। जी जी, श्री राम जी का कहना है कि जो बाहरी ग्राहक आते हैं पशु की खरीदारी करने के लिए उनकी जो सबसे बड़ी गलती होती है वो दलालों को पकड़ लेना। और एक नहीं, एक साथ 10-10 दलाल, 8-8 दलाल, ऐसे सबका उसमें शेयर बनता है। अच्छा, एक का नहीं। तो दलालों से बचने का एक यही तरीका है कि आप दुनिया के किसी भी कोने से आए, जिनकी भैंस है आप उनसे डायरेक्ट बात करें। अनभिज्ञ है तो उसको 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार दलाली ले लोगे
तो ग्राहक मर जाएगा ना। मोला मालिक भी रोज बात उनके अलाउंस करते हैं, लेकिन दलालों के प्रति कि दलाली ज्यादा ना हो। वैसे अगर एक व्यक्ति अगर मेहनताना कर रहा है तो उसका कितना बाधा गया है? खरीदने वाला 500 के बाद उनकी कोई भी लेन देन कर सकता है 500 रुपया। तो दिन भर टाइम हो गया, खरीदवाओगे बतियाओगे, बतियाने का ढंग का नाम एक दलाल का जो मेहनताना है वो 500 रुपया है, इससे ज्यादा नहीं है। ये जो भैंस आप लोग देख रहे हैं ये विकास भाई की है। विकास भाई इस मेला मंडी में भैंसों का क्रय विक्रय करते हैं। विकास भाई ठीक है ना? तो इस भैंस के बारे में बताइए। ब्यान अभी इसका दूसरा है। दूसरे ब्यान की है? बच्चा पाड़ा है इस भैंस का। ठहरिए, दूसरे ब्यात में है और बच्चा इसके नीचे आप पाड़ा बता रहे हैं। कितने रोज का है पाड़ा? 6 रोज का। और दूध कितना होगा इस भैंस का? दूध अभी मौका 9 किलो है, दोनों मीटिंग का मिला, दोनों टाइम का मिला के 9 लीटर, यानी कि 4-4.5 लीटर के आसपास इस भैंस का दूध है एक टाइम का। इस भैंस के बारे में आप जो बताए हैं तो एकदम स्पष्ट बताए हैं। जी स्पष्ट बताए हैं। तो आप ये भी बताइए कि जो कीमत होगा इस भैंस का वो कितना तक होगा, सही बताइएगा, और ये भी बोलिएगा कि कहाँ तक हो जाएगा। देखिए मांगने को इसको 72,000 मांग रहे हैं, लेकिन 70 के नीचे दे देंगे। 70 के नीचे? विकास भाई इस भैंस का बच्चा क्या है? ये पाड़ा है क्या? पड़िया है। ये कितने रोज की हो गई पड़िया? 3 रोज की हो गई। ले आइए। ये भैंस खुले सिंह में जरूर है लेकिन ये दूध वाली भैंस है। इस भैंस का टाइम का दूध कितना होगा? अभी तो परसों का बच्चा दिया है, लेकिन ये दूसरे ब्यान में 13 किलो दूध की है। दूसरे ब्यान में 13 किलो दूध की है? अबकी बार 14 किलो करेगी। 14 किलो तो तीसरे ब्यान की है क्या? हाँ जी। तो इस भैंस का कितना कीमत रखे हैं आप? इस भैंस का दाम 75,000 मांग रहे हैं। 75,000। इधर आइए। विकास भाई कीमत को लेकर के जितने भी भाई हैं सब थोड़ा असंतुष्ट हो जाते हैं। लोगों के मन में ये धारणा होती है कि लोग ज़्यादा कीमत बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? इसको भी 70 के नीचे दे देंगे। 70 के नीचे? हाँ, सामने आएगा कोई तो दे देंगे। और आपके यहाँ एक और भैंस है, ये तीसरी? तीसरी। ये कौन सा ब्यान में है? ये दूसरे में है। तीसरी लग रही है लेकिन दूसरी है। लग रही है तो कहिए तीसरी। नहीं दूसरी है लेकिन देखें तीसरी। चलिए भाई लोग के ऊपर ही छोड़ देते हैं कि वो लोग कमेंट में ही बताएंगे कि कौन से ब्यान में होगी। तो विकास भाई इस भैंस का बच्चा क्या है? पाड़ा? बच्चा पाड़ा है। ये कितने रोज का हो गया? ये भी 5 रोज का हो गया। 5 रोज का बच्चा है और भैंस आप लोग के सामने है। और इस भैंस का जो दूध हमें यहाँ पर बताएंगे विकास भाई, 10 किलो स्पष्ट और 10 किलो बता रहे हैं, यानी टाइम का 5 लीटर दूध कर रही है, 5-4.5 इस तरह से करती होगी। तो विकास भाई इस भैंस का कीमत कितना रखे हैं आप यहाँ पे? इसका कीमत 63,000। 63,000 रुपये रखे हैं। ये जो कीमत आप लोग को बताया जा रहा है ये कोई फिक्स वाला कीमत नहीं है। आप लोग तो जानते ही होंगे कि मेला मंडी या कोई भी पशु का कीमत जो है मेला मंडी में फिक्स नहीं होता है।
आपको खुद अपने बलबूते पे इस रेट को कम कराना पड़ता है। कोई मौके पे आता है तो 60 के नीचे दे देंगे, अगर कोई व्यक्ति मौके पे आए तो 60 के नीचे कर देंगे। 60 के नीचे खाने पीने के लिए, दूध के लिए बहुत अच्छी है ये वाली भैंस। विकास भाई, जो भाई यहाँ पे दिलदानगर के मेला मंडी में आना चाहते हैं, उनके लिए अपने मुंह से ही दो शब्द बोलिए, पता वगैरह बताइए। हम तो चाहेंगे कि आप इस मंडी पे अगर आते हैं तो आप हर बार की मंडी से अपेक्षा अब की बार 5,000 डाउन पे मिल जाएंगी भैंसें इस बार। विकास भाई, कारण क्या है? कारण यही है, जो त्यौहार है, बकरीद पड़ रहा है, बाहर के ग्राहक जैसे ज़्यादा दूर दराज वाले नहीं आ पाएंगे। अच्छा, विकास भाई के पास एक और भैंस आई है जो आप लोग सामने देख रहे हैं। ये देसी है पर जर्सी गाय है। देसी है पर जर्सी गाय है। विकास भाई, याद जर्सी की तरह। विकास भाई, यहाँ पे याद रखिए कि जो जर्सी है वो विदेशी नस्ल है। तो देसी है। छोड़ दीजिए। भाई लोग इस भैंस के चाल ढाल को देख के अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि ये भैंस कैसी है। लूले लंगड़े की कोई शिकायत देखने को नहीं मिल रहा है। और थनों को देखिए आप लोग, खूबसूरत थन है इस भैंस का, बहुत सुंदर। तो विकास भाई, इस भैंस का दूध कितना है टाइम का? 5 किलो। 5 किलो टाइम का है। और बच्चा इसके नीचे पाड़ा, ये कितना रोज का पाड़ा हो गया? ये भी 5 रोज का हो गया। ये भी 5 रोज का। तो आपके अनुभव से क्या लग रहा है, कौन से ब्यान की होगी ये भैंस? ये दूसरा है। ये दूसरे ब्यान में है? हाँ जी, पक्का दूसरा है। सिंह थोड़ा बड़ा है, देसी टाइप का है। लेकिन ये पक्का दूसरा है। किस कीमत में मिलेगी ये भैंस? ये 60 के नियर अबाउट हो जाएगी। 60 के आसपास। वैसे आप बाहरी ग्राहकों को कितना बोलेंगे? बाहरी ग्राहकों को तो ऐसे मांगेंगे 75,000। 75,000 मांगेंगे? हाँ जी। तो 60 के आसपास देंगे? देंगे। विकास भाई, आप दो शब्द बताइए जो इससे बाहरी कोई ग्राहक आता है इस मेला मंडी में भैंसों की खरीदारी करने के लिए, तो किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखे और किस तरीके से खरीदारी करे जिससे कि उसकी अच्छी खरीदारी हो जाए। खरीदारी अपने हिसाब से करें, वो जहाँ दिल कहता है, उनका दिमाग कहता है वहाँ खरीदें, किसी के कहने पे, किसी के बहकावे में न आए। अपना स्वयं खरीदें, स्वयं ला दें, स्वयं ले जाएं, किसी के बहकावे में नहीं आए। जो पसंद आता है वही लें, इच्छा नहीं करता है तो मत लीजिए। किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती कि नहीं ले ही लो तो ऐसा ना करें।